नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो विषय आपके साथ साथ पूरे देश के लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जी हां, मैं बात करने वाला हूं उग्रवाद, वामपंथी विचारधारा से प्रेरित लोगों के बारे में और नक्सलवाद के बारे में। नक्सलवाद, वामपंथ और उग्रवाद भारत में इतने तेज से पैर पसार रहा था कि सरकारों के सामने इससे निपटने की बहुत बड़ी चुनौती थी। मित्रों, ये पूरी तरीके से विकास के बाधक तो थे ही, साथ में सुरक्षा संस्थानों के कामों में ये बढ़ चढ़कर अड़चन भी डालते थे और यही कारण है कि कुछ वर्षों पहले इनका विद्रोह इतने चरम पर आ गया था। इसके कारण से 16,000 से ज्यादा अधिक सुरक्षा बलों को और आम जनों को जान गंवानी पड़ी थी और ये सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी क्योंकि ये कैंसर की तरह पूरे देश में अपना पांव पसार रहे थे। और यही कारण है कि भारत सरकार ने जो है अमित शाह जी के गृह ने और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी के रणनीति ने इन लोगों को जड़ से खत्म करने का जो है वो पूरा मन बना लिया। चलिए अब हम आपको वीडियो में बताते हैं पॉइंट बाय पॉइंट कि कैसे सरकारों ने 2014 के बाद इनके क्षेत्रों को विकास करने का काम किया। वामपंथ उग्रवाद वाले प्रभावित वाले इलाकों में 13,823 नए टावर लगाने की स्वीकृति दी गई। दूसरी तरफ संचार को गति देने के लिए सरकार ने पहले चरण में 4,080 करोड़ की लागत से 2,343 मोबाइल टावर लगाए। दूसरे चरण में 2,210 करोड़ रुपए की लागत से 2,542 टावर लगाए और इसके बाद सरकार ने यह तय किया कि इन क्षेत्रों में पूरी तरीके से मोबाइल कनेक्टिविटी बेहतर हो। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ग्रामीण सड़क परियोजना की तो केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी सुधारने के लिए एक योजना मंजूर कर दी जिसमें 12,100 किलोमीटर लगभग 1,342 सड़कें और 701 पुल उसमें शामिल थे। उसके लिए 12,021 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी दी। मई 2014 के बाद 10,475 किलोमीटर सड़कें और 243 पुल बनाए गए। फिर अगर हम बात करें वित्तीय समावेशन की तो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित 90 जिलों में बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की गई जिसमें 4903 नए डाकघर खोले गए। इसके बाद उग्रवाद से सबसे ज्यादा 30 जिले प्रभावित थे मित्रों और उन 30 जिलों में 1258 नई बैंक शाखाएं खोली गई और इसके साथ 1348 एटीएम स्थापित किए गए। अगर हम रोजगार की बात करें तो कौशल विकास के तहत जो है वामपंथी उग्रवाद सब प्रभावित जिलों में 46 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए ताकि वहां के लोगों को जो है रोजगार से सीधे सीधे तौर पर जोड़ा जा सके। फिर शिक्षा की बात करते हैं जो एक महत्वपूर्ण बिंदु था। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में जनजाति ब्लॉक में गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए 245 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की मंजूरी दी गई जिसमें 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जा चुके हैं और इसके बाद केंद्रीय विद्यालय के साथ साथ नवोदय विद्यालय भी खोलने की मंजूरी दी गई। वामपंथी उग्रवाद से गंभीर रूप से प्रभावित 11 जिलों में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं थे लेकिन आज मोदी जी ने और अमित शाह जी ने वहां पर केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्रयास किया और उनका प्रयास जो है वो पूरी तरीके से सफल रहा और यही कारण है कि मोदी सरकार ने इन जिलों में 11 नए KBS की स्वीकृति दी और जिसमें 9 KBS खोले गए हैं और 2 शेष जो KBS हैं यानी केंद्रीय विद्यालय हैं उनका कार्य पूरी तरीके से चल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 6 नवोदय विद्यालय की स्वीकृति दी गई और इन सभी को पूरी तरीके से खोल दिया गया है और यहां आज व्यापक रूप से पढ़ाई हो रही है। भैया अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो नक्सल प्रभावित राज्यों में 2019 से लेकर अब तक 195 नए कैंप स्थापित किए जा चुके हैं, 250 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए जा चुके हैं, 10 नए ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप भी खोले गए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी सुरक्षा बलों के मनोबल को बढ़ाने के लिए ये नक्सल प्रभावित इलाकों का जो है दौरा बीच बीच में किया करते थे। नक्सलियों की फंडिंग पर लगाम लगाने के लिए ईडी द्वारा 10.64 करोड़ और एनआईए द्वारा 37 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया जिससे नक्सली पूरी तरीके से आर्थिक रूप से वो कमजोर होने लगे और यही कारण है कि 2014-15 से 2022 और 23 तक सुरक्षा बलों के परिचालन की आवश्यक खर्चों के लिए 2606 करोड़ रुपए रिलीज किए गए और वो परिणाम है कि वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जो क्षेत्र थे उसमें 41% की कमी आई और यही कारण है कि 2013
2013 में जहां 76 जिले वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे, वहीं 2023 तक इसमें 41% से ज्यादा की कमी के साथ 45 जिलों तक ही सिमट के रह गई, बावजूद समय के साथ इसमें निरंतर कमी भी आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें नक्सली घटनाओं की, तो नक्सली घटनाओं में 64% की गिरावट दर्ज की गई। नक्सली घटनाओं में 64% की कमी आई। 2013 में 1136 नक्सली घटनाएं हुई थी मित्रों, वहीं 2022 में सिर्फ और सिर्फ 413 नक्सली घटनाएं जो है वो रिकॉर्ड की गई, और यही कारण है कि नक्सली घटनाओं में गिरावट की जो संख्या थी वो 64% हो गई। तीसरी तरफ अगर हम बात करें नक्सली घटनाओं से होने वाले मौतों की, तो उसमें लगभग 75% की कमी दर्ज की गई, और यही कारण है कि 2022 में 2013 के मुकाबले वामपंथी उग्रवाद से संबंधित मौतों में 75% की कमी हुई, और 397 से घटकर, ये जो मौत का आंकड़ा 397 था उससे घटकर 98 पर आ गया। एनडीए सरकार और यूपीए सरकार की अगर हम तुलना करें, तो यूपीए सरकार 2005 से 2013 के बीच में 15,055 वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं हुई थी, जिसमें 6,108 मौत रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन एनडीए सरकार आने के बाद, एनडीए सरकार यानी मोदी जी की सरकार आने के बाद 2014 और 22 के बीच में वामपंथी उग्रवाद की जो घटनाएं थी वो 7,344 हो गई, और 1951 सिर्फ और सिर्फ 1951 मौतें जो है वो रिकॉर्ड की गई। अगर हम आत्मसमर्पण की बात करें, 2014 के बाद लगभग 5,000 से ज्यादा वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया, और वो आत्मसमर्पण इसलिए क्योंकि सरकार की इतनी बेहतर नीति थी कि उनको आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर दी। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना राय जरूर दें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।